सैंडविच तो आपने बहुत बार बनाई होगी, लेकिन एक बार ये पराठा सैंडविच बनाइए। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि जो ब्रेड वाली सैंडविच होती है उसकी जगह आप हर बार यही बनाओगे। और इसे हम दो तरीके से बनाएंगे, दूसरा कौन सा तरीका है वो देखने के लिए आपको वीडियो आखिर तक ज़रूर देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप ये देखिए, सैंडविच जो है बहुत ही बढ़िया तैयार हुई है। ये सैंडविच ऐसी है कि बच्चों से लेकर बड़े सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, तो रेसिपी को आखिर तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले हम मैरिनेशन तैयार करेंगे। तो एक बॉल में हम 1/4 कप दही लेंगे। यहाँ पे दही बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। अब इसमें 1 टेबलस्पून बेसन मिलाना है। दही और बेसन को हम अच्छे से फेंट लेंगे। सैंडविच की ये जो रेसिपी है आप एक बार खाएंगे ना तो खुश हो जाओगे, बिल्कुल वैसी रेसिपी है। अभी हम इसमें सारे मसाले करेंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर मिलाएंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर मिलाना है, 1 टेबलस्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर मिलाएंगे, 1/4 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर मिलाना है। इसी के साथ 1/2 टीस्पून चाट मसाला मिलाएंगे, 1/2 टीस्पून अदरक हरी मिर्च की पेस्ट मिलानी है। अभी इसमें 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी मिलाएंगे, 1 टीस्पून इसमें लहसुन की पेस्ट मिलाएंगे, 1/2 नींबू का रस मिलाना है। अभी इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक मिलाएंगे। आखिर में इसमें 1 टीस्पून हम मस्टर्ड ऑयल मिलाएंगे। अगर आपके पास मस्टर्ड ऑयल नहीं है तो आप रेगुलर तेल भी ले सकते हो, लेकिन इससे इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। सब कुछ अच्छी तरह से मिला लेना है। अभी हम इसमें पनीर मिलाएंगे। यहाँ पे मैंने 100 ग्राम पनीर लिया है जिसे मीडियम टुकड़ों में काट लिया है। साथ ही में 1 कटी हुई शिमला मिर्च है और यहाँ पे मैंने 1 प्याज लिया है। जो सब्जियों का कटिंग है वो मैंने मीडियम रखा है, तो इसे बिल्कुल बड़ा भी नहीं रखा है, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं रखा है। अभी हम सब कुछ हाथों से ही मिला लेंगे और हल्के हाथों मिलाएंगे। अभी सब कुछ मिलाने के बाद इसे हम ढक देंगे और ढकने के बाद इसे हम फ्रिज में रख देंगे 1/2 घंटे के लिए। अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो आप इसे ज़्यादा समय तक भी रख सकते हो। जब तक पनीर और सब्जियाँ मैरिनेट होती है तब तक हम आटा लगा लेंगे। सबसे पहले एक बॉल में हम 1/2 कप गेहूं का आटा लेंगे। तो जो रोटी बनाने में लेते हैं वही लेना है, यानी कि बारीक वाला आटा लेना है। इसी के साथ 1/2 कप हम मैदा लेंगे। यहाँ पे मैंने मैदा और गेहूं का आटा इक्वल क्वांटिटी में लिया है। आप चाहो तो मैदे को स्किप भी कर सकते हो और केवल गेहूं के आटे से भी बना सकते हो, लेकिन मैदा डालने से इसमें जो लेयर्स बनेंगे वो बहुत ही बढ़िया बनते हैं। अब इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक मिलाएंगे और साथ ही में इसमें हम 2 टीस्पून कसूरी मेथी मिलाएंगे। कसूरी मेथी की जगह पर आप अजवाइन भी डाल सकते हो, उसका स्वाद भी बहुत ही बढ़िया आता है। इसमें 1 टीस्पून तेल डालेंगे। अभी सब कुछ अच्छी तरह से मिला लेना है। अभी इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाएंगे और एक आटा लगा लेंगे। ये जो आटा है वो हमें थोड़ा सॉफ्ट लगाना है। अभी हमने नरम आटा लगा लिया है, इसे भी हम 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। अभी आटे को रेस्ट देने के बाद मैंने इसमें से एक मीडियम साइज की लोइया तैयार कर ली है, तो अभी हम इसे बेल लेंगे। इसे हमें बिल्कुल पतला बेलना है। अभी आप देख सकते हो मैंने एकदम बड़ी और पतली रोटी बेल ली है। अभी इसे हम काट लेंगे। तो इस प्रकार इसमें से ऐसे स्ट्रिप्स बना लेनी है। ये जो लच्छा पराठा है वो 2-3 तरीके से बनता है, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है। अभी इसके ऊपर हमें तेल डालना है। यहाँ पे मैंने 1/4 टीस्पून जितना तेल डाला है, इसे हम अच्छे से फैला लेंगे। तेल लगाने के बाद इसके ऊपर हम सूखा आटा छिड़क देंगे। तो यहाँ पे मैंने चावल का आटा लिया है, चावल के आटे की जगह पे आप कॉर्नफ्लावर भी ले सकते हो। अभी इसे हम इकट्ठा कर लेंगे। इस प्रकार इकट्ठा करने के बाद हल्का से इसे खींचना है और उसके बाद इसे रोल कर लेंगे। जो आखिर का हिस्सा है उसे हम नीचे दबा देंगे। तो अभी आप देख सकते हो एकदम बढ़िया लेयर वाली लुइया तैयार हो गई है। इसी प्रकार आप पहले से सभी तैयार करके रख सकते हो। अभी इसे हम बेल लेंगे, लेकिन अब इसे हम हल्के हाथों बेलेंगे। अब की बार इसे हम बहुत पतला नहीं बेलेंगे, हल्का सा इसे ठीक रखेंगे। ये देखिए मैंने मीडियम थिक पराठा तैयार कर लिया है। तो इसी प्रकार हम दूसरा पराठा भी तैयार कर लेंगे। अभी हम पराठे को सेक लेंगे। यहाँ पर जो मैंने आपको क्वांटिटी बताई है उससे आपके मीडियम साइज के 2 पराठा तैयार होंगे। अभी हमने जो पराठा बेल के रखा था उसे हम तवे पे डाल देंगे। गैस के उसको मीडियम रखेंगे और इसे दोनों साइड अच्छे से सेक लेंगे। जब ऊपर की साइड हल्के से बबल्स हो जाए तब हम इसको पलट देंगे। दूसरी बाजू भी हम इसे अच्छे से सेक लेंगे। अभी हम इसके ऊपर थोड़ा तेल डाल देंगे। तेल की जगह पे आप घी भी ले सकते हो। तेल डालने के बाद इसे पलट देंगे और गैस की आंच को तेज कर देंगे।
आप देख सको एकदम बढ़िया लेयर दिख रहे हैं। दूसरी साइड भी थोड़ा तेल डाल देंगे। आप देख सकते हो लच्छा पराठा एकदम बढ़िया तैयार हुआ है। ये देखिए अब ये तैयार है। तो इसी प्रकार हम दूसरा पराठा भी सेक लेंगे। अभी पराठा तो हमने तैयार कर लिए, लेकिन अभी हमने जो पनीर और सब्जियों को मैरिनेट करके रखा था उसे भी हम तवे पे सेक लेंगे। तवे पे हम 1 टीस्पून तेल लेंगे। इसके बाद जो मैरिनेट किए हुए पनीर और सब्जी है वो सारी इसके ऊपर डाल देंगे। अब इसे हम तवे पे फैला देंगे। अभी हम गैस के आंच को तेज रखेंगे और इसे अच्छे से पका लेंगे जब तक इसके ऊपर हल्का सा कलर ना आ जाए। बीच बीच में इसे हम चलाते रहेंगे। अभी पनीर और सब्जियों को मैंने अच्छे से सेक लिया है। आप देख सकते हो ड्राई भी हो गए है और इसके ऊपर बहुत ही बढ़िया कलर भी आ गया है। तो गैस के आंच को हम बंद कर देंगे और अभी हम सैंडविच बनाने की आगे की प्रोसेस करेंगे। अभी पराठा भी तैयार है, पनीर और सब्जियाँ भी तैयार है, तो अब हम लच्छा पराठा सैंडविच बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक पराठा ले लिया है, इसके ऊपर हम सैंडविच की ग्रीन चटनी लगाएंगे। सैंडविच की ग्रीन चटनी की रेसिपी मैंने पहले ही पोस्ट की थी, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और इसे दो तरीके से कैसे बनाना है वो भी देखेंगे। तो ये सबसे पहला तरीका है, इसके ऊपर लहसुन और लाल मिर्च की जो चटनी आती है वो लगा लेंगे। इसकी रेसिपी मैंने पहले ही पोस्ट की थी। अब इसके ऊपर हम कटी हुई सब्जियां रखेंगे। तो यहाँ पे उबले हुए आलू है जिसे मैंने स्लाइस में कट कर लिया, तो वो रख देंगे। अभी हमने जो पनीर और सब्जियों को रोस्ट किया था वो रख देंगे। फिर से इसके ऊपर हम कटी हुई सब्जियां रखेंगे। यहाँ पे टमाटर को मैंने स्लाइस में कट कर लिया, तो वो रख देंगे। इसी के साथ खीरा को भी मैंने ऐसे स्लाइस में कट किया है। अभी इसके ऊपर हम चीज ग्रेट कर लेंगे, ऊपर से थोड़ा चाट मसाला डाल देंगे, थोड़ा नींबू का रस डालना है। और अभी दूसरा पराठा मैंने लिया है, उससे इसे कवर कर देंगे और हल्के हाथों इसे दबा देंगे। तो अभी लच्छा पराठा की सैंडविच तैयार है, इसे हम अब काट लेंगे। तो अभी इसे मैंने काट लिया है, आप चाहो तो इसे एक बार फिर से रोस्ट भी कर सकते हो। अभी हम दूसरा तरीका देखेंगे। अभी दूसरे तरीके के लिए मैंने एक बड़ा लच्छा पराठा बना के रखा है, इसके ऊपर भी हम चटनियाँ लगा लेंगे। तो सबसे पहले मैंने हरी चटनी लगाई है, इसके ऊपर लहसुन वाली चटनी लगा लेंगे। अभी हमने जो पनीर और सब्जियों को रोस्ट करके रखा था वो एक साइड में रख देंगे। इसके ऊपर कटी हुई सब्जियाँ रखेंगे। तो यहाँ पे सब्जियों को मैंने लंबा काट के रखा है, तो कटी हुई शिमला मिर्च है वो रख देंगे। इसी प्रकार लंबे कटे हुए प्याज है वो भी रखेंगे, आप चाहो तो पत्ता गोभी भी ले सकते हो। ऊपर से थोड़ा चाट मसाला डाल देना है और इसके ऊपर भी हम चीज ग्रेट कर लेंगे। अभी इसे हम टाइटली रोल करेंगे। ये देखिए एकदम बढ़िया रोल भी तैयार है। मैं आशा रखता हूं कि सैंडविच की ये रेसिपी आपको जरूर पसंद आई होगी। और एक मस्त रेसिपी के साथ हम जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।